हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। वैसे तो आप सब ने वीडियो का टाइटल देखकर अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। जी हाँ, तो आज मैं बात करूँगी माचिस के। मैं माचिस मूवी की बात नहीं कर रही, मैं उस माचिस की बात कर रही हूँ जिससे आग लगाई जाती है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि आज के बदलते वक्त में लोग माचिस को भूलने लगे हैं? दोस्तों, अगर ऐसा है तो आप और हम भले ही भूले हों, लेकिन बुझती माचिस की गूंज देश के पार्लियामेंट में कुछ दिनों पहले अचानक सुनाई दी, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कनिमोझी करुणानिधि ने मैचस्टिक इंडस्ट्री का मामला पार्लियामेंट में उठाया। कनिमोझी ने बताया कि तमिलनाडु के तुतुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट में मैच बॉक्स इंडस्ट्री से 10 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता है, जिनमें 90% महिलाएँ हैं। तो आप खुद सोचिए कि तमिलनाडु के तुतुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट में ये इंडस्ट्री कितना इम्पोर्टेंस रखता होगा। इस विषय के बारे में और जानकारी के लिए आप इसे इंटरनेट पर आगे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और आप देख रहे हैं एलिसियन क्रिएटर। आइए अब मैं आपको लेकर चलती हूं माचिस के उस सफर में जहां आप माचिस के कुछ गर्म और कुछ नरम बातों को जानेंगे। तो दोस्तों, इस बात को तो आप सब बखूबी जानते होंगे कि स्टोन एज के टाइम पे और पुराने ज़माने में पत्थरों को आपस में रगड़ने से आग लगाई जाती थी, लेकिन ये तरीका हम इंसानों के लिए बहुत ही मशक्क़त भरा था, क्योंकि बारिश या कड़ाके की ठंड और बर्फ़ पड़ने के दौरान आग जलाना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। राहत तब मिली जब इंसान के हाथ माचिस लगी। अब ये ऐसी कमाल की चीज़ निकली जिसने आग को इंसान की मुट्ठी और जेब तक में ला कर रख दिया। वैसे देखा जाए तो मॉडर्न माचिस का विकास करीबन 200 साल पहले ही हुआ है, लेकिन माचिस का इतिहास बहुत पुराना है। लगभग 5000 साल से भी ज़्यादा समय पहले प्राचीन इजिप्ट में गंधक में डुबोए गए चीर की लकड़ी माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। तो प्रोसेस कुछ ऐसा था, एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और वाइट फॉस्फोरस का मिक्सचर, कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उसे लकड़ी से बनी माचिस की तिल्ली के सिरे पर लगाया जाता था। उसे रगड़ने से पैदा हुई हीट के कारण सफ़ेद फॉस्फोरस जल उठता था, इससे माचिस की तिल्ली जलनी शुरू हो जाती थी। लेकिन बात तब खराब हुई जब सफ़ेद फॉस्फोरस मैचस्टिक इंडस्ट्री में काम करने वालों और माचिस का यूज़ करने वालों के लिए ख़तरनाक साबित हुई। आजकल के माचिस के तिल्ली के सिरे पर सिर्फ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है। जिस जगह हम तिल्ली को रब करते हैं उस सतह पर कांच का बारीक पाउडर और थोड़ा सा रेड फॉस्फोरस लगा हुआ होता है, जो कि कम ख़तरनाक है। आपको जानकर हैरानी होगी, जिस लाइटर ने आज इतनी पॉपुलैरिटी बना ली है वो कभी माचिस की छोटी सी डिब्बी से पहले मैदान में उतरा था। 1823 में माचिस से कुछ साल पहले ही लाइटर का आविष्कार हो चुका था, लेकिन दोस्तों आज के मुकाबले तब ये साइज में कुछ ऐसा दिखता था, बहुत ही बड़ा। दोस्तों इमेजिन करो, अगर आज भी ऐसा ही लाइटर होता इतना बड़ा सा, तो लोग कैसे लेकर घूम रहे होते? इंटरेस्टिंग होता देखना। तो इसकी साइज की वजह से ये लाइटर उतना पॉपुलर ना हो सका। उस वक्त लाइटर के लिए हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता था। लाइटर को पॉपुलैरिटी 20th century के शुरुआत में मिली, जब इसमें जल्दी आग पकड़ने वाली नेप्थलीन गैस का इस्तेमाल किया जाने लगा। 1950 के दौरान ब्यूटेन लाइटर की शुरुआत ने लाइटर को और भी अधिक लोकप्रिय बना दिया। अब आता है 1827 का टाइम। 1827 में ब्रिटेन के साइंटिस्ट जॉन वॉकर ने माचिस का इजाद किया। उन्होंने तब ये सोचा होगा कि क्यों ना पत्थर को रगड़ने से जलाई जाने वाली आग को माचिस की शक्ल में तैयार करके दुनिया को एक सरप्राइज दिया जाए। और तब उन्होंने एक ऐसी तिल्ली बनाई जो किसी भी खुरदुरी जगह पर रगड़ते ही जल उठती थी। अब होना क्या था, आप लोग समझदार हो समझ ही गए होंगे।
उनका ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी खतरनाक साबित हुआ। बेचारे कई लोग इससे झुलस गए। दरअसल माचिस की तिल्ली पर सबसे पहले एंटीमनी सल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और स्टार्च का इस्तेमाल किया गया था और रगड़ने के लिए रेगमल पेपर का। नतीजा ये हुआ कि माचिस की तिल्ली जैसे ही रेगमल पर रगड़ी गई, छोटा सा विस्फोट हुआ और जलने पर बदबू भी आती थी। तो अब आप सोचिए, लोगों के मन में तब कितना खौफ रहा होगा, और आज तो हम बड़े मज़े में जलाते हैं। और तो और, कई बार तो कई लोग हीरो बनने के चक्कर में रजनीकांत वाला स्टंट भी दिखाते हैं। खैर, जोक सपाट, 1855 में स्वीडन ट्यूबकर ने दूसरे केमिकल्स को मिलाकर एक सेफ माचिस तैयार किया, जिसका इस्तेमाल हम आज भी कर रहे हैं। भारत में पहली बार 1910 में जापानी प्रवासियों ने कोलकाता में माचिस बनाना शुरू किया था, लेकिन कुछ सालों के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, इस वजह से माचिस का कारोबार तमिलनाडु शिफ्ट कर दिया गया। तब से लेकर आज तक तमिलनाडु मैच बॉक्स इंडस्ट्री का गढ़ बना हुआ है। अफ्रीकन ब्लैकवुड को दुनिया भर में माचिस की तिल्ली के लिए सबसे बेहतरीन लकड़ी मानी जाती है, और भारत में व्हाइट पाइन जैसी लकड़ियों से बनती है तिल्ली। तो दोस्तों, माचिस सिर्फ आग ही नहीं लगाती, इसका कवर एक ऐसा कैनवास है जिस पर दुनिया भर की तस्वीरें और पेंटिंग बनती रही है, ख़ास तौर पर राम, रामायण और दिवाली से जुड़े प्रसंग। आज़ादी से पहले जब हमारे यहाँ माचिस नहीं बनती थी और विदेशों से इम्पोर्ट की जाती थी, उस समय भी स्वीडन के एक माचिस निर्माता ने माचिस के कवर पर जटायु वध और भगवान राम का सरयू नदी पार करने जैसे राम वनवास से जुड़े प्रसंगों का चित्रण किया था। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। तो जाते जाते बस मैं इतना कहूँगी कि आज इस वीडियो को देखने के बाद आगे आप जब भी माचिस को देखेंगे तो आपके दिल से एक रेस्पेक्ट आएगी कि हमें आज इस माचिस के वजह से पत्थर रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और साथ ही कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बाय।